बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज लोग हम लोग आए हैं तनवीर भाई के पास, जो कि चुबाड़े में रहते हैं। उनका डेरा बना हुआ है बागार, तो उनके पास जाते हैं। वो आज बीज रहे हैं मिर्चों की पनीरी, सब्ज़ मिर्चों की पनीरी। तो चलें हम लोग उसके पास चलते हैं। ये देखें, ये उनका डेरा है। ये देख रहे हैं, ये सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं भाई ने। ये उनका पेटर है, ये पहली है। ये उनका डेरा बना हुआ है, प्यारी सी भैंस है ये भी। ये देखें, ये हम लोग डेरे में पहुंच गए हैं। ये पट्ठे कुतरने की मशीन है। ये नीचे पट्ठे पड़े हुए हैं भैंसों के लिए। ये भाई घर ने कमरा बनाया हुआ है, इसमें भी भैंस के पट्ठे हैं। ये इनके पास गाड़ी है। ये तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई क्या हाल है? ठीक हो? और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये देखें, ये इनके ट्रैक्टर है, ये खेती बाड़ी करते हैं। ये देखें, ये बल्लें लगी हुई हैं कद्दू शरीफ। ये देख रहे हैं, ये देखें, ये छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं। ये साथ ही डड्डू है मेंढस। ये देखें, नज़र आ रहा है मेंढस। ये इन्हें कद्दू लगाया हुआ है इधर। ये देखो, ये भाई ने कुमार लगाया हुआ है इधर। आपको कुमार का भी विजिट करवाते हैं। ये देखें, इसको पंजाबी में गन्ना कहते हैं। जी तनवीर भाई दे पहली वाने लगे हैं, जो कि जमीन पोली हो जाए, ताकि ज़मीन पोली हो जाएगी ना, उसके बाद ये मिर्चें का पनीर लगाएंगे मिर्च की। ये देखें माशाल्लाह, देख रहे हैं ये आधा किला पहली है जिसमें ये लगाने लगे हैं पनीरी आज। तो हम लोगों ने तो बस एक थोड़ी सी शॉर्ट जी चीज़ें बस लेनी है, ताकि आप लोगों को ये बता सके कि मिर्चें बीजने का ये तरीका है। जी ये देखें, ये हम लोग ना अब बनाने लगे हैं थोड़ी सारी ना जगह, ताकि आप लोगों को बताया जाए कि मिर्चों की पनीरी कैसे लगाई जाती है। ये देखें, ये हम लोग मिट्टी को बिल्कुल नरम कर ली हुई है। ये देखें, बिल्कुल नरम कर दी है। तो अब ऊपर से ये जो बड़ी बड़ी टेमें हैं, मिट्टी है या घास है ऊपर, ठीक है, ये उठा रहे हैं। इसके उठाने के बाद ना हम लोग लगाएंगे पनीरी, ताकि जब पनीरी
पुंगर जे, तो दिक्कत ना हो हम लोगों को। ये इतनी बड़ी टेम है, ये उठा रहे हैं हम लोग इसमें। इसकी मेहनत तो है थोड़ी सारी, लेकिन बाद में आप लोगों को फायदा होगा, बाद में ना, इसके बाद में हमें फायदा ही होता है। आराम से बैठ के आए, आराम से बैठे, बैठ के मिर्चें तोड़ी, घर में ले गए, जाके फिर इस्तेमाल की। ये लें जी, ये हम लोगों ने बिल्कुल नरम कर दी है, ऊपर से घास भी उठा दी है, जो मोटी मोटी मिट्टी थी वो भी उठा दी हम लोगों ने। ये देख रहे हैं, ये अब बिल्कुल सही हो गई। अब हम आप लोगों को बीज दिखाने लगे हैं। ये देख रहे हैं, ये देखें, ये हम लोग बीजने लगे हैं। ये देखें, ये छटा लगा रहे हैं बीज का। जी ये देखें, ये हम लोगों ने बीज दे दिया। ये देखें, मिर्चियों का बीज है, हमने छटा लगाया है उसके ऊपर, तो वो आ गया। अब हम इसके ऊपर मिट्टी डालनी है, ठीक है, हल्की हल्की ऐसे करके, ये देखें, ताकि ये मिट्टी के नीचे आ जाए थोड़ा थोड़ा। ये देख रहे हैं, ये देख लें, ये अब नीचे आ गया मिट्टी के। अब हमने इसको पानी लगाना है, ठीक है। जब ये मिट्टी के नीचे आ जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोगों ने लगाना है पानी, ठीक है। इसको पानी जो है ना, उसी वक्त लगाना चाहिए, तकरीबन 1 घंटे के बाद ना पानी लगा देना चाहिए। तो जब ये पानी लगाएंगे, उसके बाद 1 माह के बाद ना, ये पनीरी है ना जो, ये ऊपर आ जाएगी, तकरीबन एक एक गेट तो भी ऊपर तैयार हो जाएगी। जब तैयार हो जाएगी पनीरी, तो फिर पनीरी का एक एक जो बूटा है ना, जैसे कि ये टीला लगा हुआ है, ये समझ लें कि आप लोग, ये मिर्ची का भी बूटा बन गया हुआ है। इसको ऐसे उठा देना नीचे से, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ से मर्जी जाके इसको लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये पनीरी आपको बताई है, ये मैंने बूटा भी पकड़ लिया। जब तैयार होगा तो बाद में ऐसे बूटे को पकड़ के ऐसे लगा देना, उसी वक्त पानी दे देना। पानी देने के बाद वो ठीक 1 माह के बाद वो आपको ना, तो फल देना शुरू हो जाएगा। अब मैं पानी लगाने लगूँ इसको, देखना। पानी ले के आइए ना, ये हम लोग ना मोटर चला रही है, तो असल सुबह का टाइम है ना, तो सोलर प्लेटें के ऊपर है, तो सोलर प्लेटें का अभी तक इतना करंट नहीं है। ये सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, ये मोटर लगी हुई है, तो
तो अब हम लोग पानी देने लगे हैं मिर्चें की बी को ना। अब हम पानी लगे देने, इधर ये देख ले, ये हम लोगों ने पानी दिया। ये देख रहे हैं पानी उतना भी देना, बस जमीन गिल्ली हो जाए। ये देखें ये जो बी है ना वो नीचे चला गया जमीन के, ये देख रहे हैं। इसका ये भी फायदा है कि आप लोग घर में बैठ के किसी टप में या किसी बड़ी बर्तन में ये जो अच्छी सारी मिट्टी लेके, तो उसके उसको घर में भी ये बीज सकते हैं, बड़े आसानी से बीज सकते हैं घर में भी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।